तो हम पहले चलते हैं कि क्या नज़ारा है, खासतौर से बालकृष्ण और अमित चौधरी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। बालकृष्ण, पहला सवाल तो ये कि जब आप बात कर रहे थे किरण बेदी से, लग क्या रहा था, एक उत्साह या कोई भरोसा? प्रसून, किरण बेदी कुछ थकी हुई सी जरूर लग रही थी, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। करीब 7 बजे मैं उनके घर पे भी था, वो अपने घर से निकली, तैयार हुई, हर हमेशा की तरह अपने बालकनी में आकर के वो पूजा करती हैं, सूर्य को जल देती हैं, वो किया उन्होंने, चिड़ियों के लिए दाना डाला। उसके बाद उन्होंने बताया हम लोगों से कि वो 8 बजे के बाद यहाँ वोट डालने आएंगी। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ वोट डालने आई थी, मेरी बात भी उनसे, उनको अपने काम का और बीजेपी मोदी के नाम का दोनों का ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से उन्होंने पूरा काम किया है, उनको भरोसा है कि जनता उनके साथ देगी। आपने देखा होगा बहुत ही मज़ेदार नज़ारा था जब थोड़ी देर पहले वो अपने समर्थकों से और खासतौर पर मीडिया के लोगों से घेर गई यहाँ पर गाड़ी में। अपना वोट डालने के बाद वो अपनी जो कार थी उसके छत पर चढ़ गई, उनके साथ में बीजेपी की काउंसलर है अंकिता जी, उनकी पड़ोसी भी हैं, उनके साथ गाड़ी की छत पर चढ़ गई और उन्होंने विक्ट्री का इशारा किया, जीत का इशारा किया और उनका जोश जो है उनका देखते ही बन रहा था। वो खुश दिख रही थी और ऐसा लग रहा था उनको कि उनकी बातों से कि जो उनको भरोसा है कि जो उन्होंने मेहनत की है, जो पार्टी ने मेहनत की है, वो रंग जरूर लाएगी। अच्छा, बता रहे हैं उनके साथ जो थी वो वहाँ पर काउंसलर है, एक तीसरी एक बच्ची भी चढ़ी थी, वो कौन थी? बच्ची उनके परिवार की थी, बच्ची उनके परिवार की थी और जो उसके साथ दूसरी महिला आपने देखी थी वो अंकिता हैं, जो कि बीजेपी के काउंसलर भी हैं और उनके बिल्कुल पड़ोस में रहती हैं। अच्छा, इनके साथ वोट जब पहले उनके परिवार पे, ये बताइए जो वोट डालने जब पहुंची तो बीजेपी के कौन कौन से नेता उनके साथ थे किरण बेदी के? देखिए, इस जगह पर ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर जब वो वोट डालने आई थी, इस बूथ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। यहाँ पर बीजेपी का कोई बड़ा, जिसको नोन चेहरा आप कहें, ऐसा बड़ा चेहरा कोई नहीं था यहाँ पर वोट डालने आई, लेकिन इसके बाद वो कृष्णा नगर जाएंगी और चूंकि ये पोलिंग बूथ है तो यहाँ पर वो बीजेपी का कोई बड़ा जो लोग है, बड़ा चेहरा यहाँ पर उनके साथ वोट डालने नहीं आया था। प्रसून, अमित राजौरी गार्डन में मौजूद है, क्या स्थिति है वोटरों की आवाजाही? देखिए, जो वोटर्स हैं वो लगातार जो घरों से निकल कर आ रहे हैं, बाकायदा अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों को साथ लेकर के आ रहे हैं, भले ही वो बच्चे वोट डालने की उम्र में ना हो, लेकिन फिर भी उनको बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से बाकायदा बहुत एक्साइटेड है, अंदर भी जाते हैं। और अगर कुल मिलाकर अगर वोटरों की बात करें तो वो संख्या फिलहाल यहाँ पर दिख नहीं रही जितनी संख्या में उम्मीद है। उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे धूप खिलेगी वैसे वैसे लोग घरों से बाहर निकलेंगे। फिलहाल यहाँ पर अजय माकन, जो दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा है, वो वोट डालने आएंगे यहाँ पर। उम्मीद है कि करीब आधे घंटे में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि जो ये सीट है वो अकाली दल की है, शिरोमणि अकाली दल के जो मनजिंदर सिंह सिरसा है, उन्होंने पिछली बार यहाँ पर जीत दर्ज की थी, स्ट्रांग होल्ड है। उसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस का कभी ये गढ़ हुआ करता था, जो दयानंद चंदेला है, 2 बार उन्होंने यहाँ से जीत भी दर्ज की, 2 बार MLA रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी वाइफ धनवंती चंदेला खड़ी हुई थी और इस बार भी वो खड़ी है, पिछली बार भी हारी थी और इस बार फिलहाल जो लहर है वो काफी हद तक उनके खिलाफ ही। आपके अगल बगल हम देख रहे हैं कुछ वोटर खड़े हुए हैं, अगर संभव हो तो एक सवाल यहाँ से स्टूडियो से भी था उनके लिए कि जो पर्ची दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, उसके अलावे क्या मांगा जा रहा है वहां पर? क्या वो सिर्फ कार्ड मांग रहे हैं, जो वोटर कार्ड है, या आधार कार्ड मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? ये बताइए कि जब आप अंदर वोट डालने गए तो क्या जो पहचान पत्र मांगा गया, आधार कार्ड मांगा गया, क्या उन्होंने देखा, किस तरह की प्रक्रिया हुई है? नहीं, वो तो पिछले कई सालों से वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपना वोटर आईडी कार्ड इलेक्शन इंचार्ज को दिखाएं, और क्योंकि उससे फेक वोटर डालने का आसार कम हो जाते हैं। अजय माकन जी यहाँ से वोट डाल रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि उनका, क्योंकि देखिए वो नई दिल्ली की राजनीति करते हैं, पिछली बार हालांकि वो हार गए, सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा, हार गए, लेकिन फिर भी क्या उनका असर है यहाँ पे? अजय माकन जी 93 से यहाँ MLA भी रहे हैं 2 बार और MP इलेक्शन उन्होंने नई दिल्ली से लड़ा है। अजय माकन जी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत काम किए हैं और हर आदमी के, गरीब तबके के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, बच्चों के लिए लाडली योजना लाए हैं, खाने का, चावल राशन का सस्ता करा है उन्होंने अरेंजमेंट।